आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों की हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है, बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं, और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहां खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है हम उसके लिए सारा सहयोग।